नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मेजा में संदिग्ध परिस्थितियों में घरेलू नौकर की जलकर मौत। प्रयागराज मेजा थाना अंतर्गत ग्राम सभा चौकी में घरेलू नौकर की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौकी ग्राम सभा निवासी बिपिन बिहारी मिश्रा पुत्र रामा शंकर मिश्रा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। उनके घर पर सालों से छत्तीसगढ़ निवासी राजू मुंशी 45 वर्ष घरेलू नौकर की तरह रहता था। बीती रात वह मकान के निचले हिस्से में ट्रैक्टर के पास आग जलाकर सो गया था। सुबह से बिपिन बिहारी मिश्रा के घर वालों की नौकर की संदिग्ध परिस्थितियों में जली लाश मिली, जिसकी सूचना इलाकाई पुलिस को दे दिया। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस जांच करते हुए शव को कब्जे में ले लिया। प्रयागराज जिले से जिला संवाददाता हरिशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। सर, ये चौकी बगा थाना मेजा में व्यक्ति जलकर मरा है, क्या प्रकरण मामला है सर? देखिए, ये जो चौकी बगा है थाना मेजा में पड़ता है और यहाँ के विपिन मिश्रा, विपिन बिहारी मिश्रा जो कि वर्तमान में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इनका मूल मकान चौकी बगा में पड़ता है, जिसकी देखरेख के लिए बालाराम जो कि स्वयं भी बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उम्र लगभग 55 वर्ष है, ये व्यक्ति इनके घर की देखरेख के लिए यहाँ पर रहता था और रात में ये व्यक्ति खाना वाना खाकर सोया था और पास ही में आग जलाकर सो रहा था, जिससे संभवतः इसको आग लग गई और ये चूंकि अकेला था तो ये अपनी जान नहीं बचा पाया और ये इसकी जलकर मृत्यु हो गई। इनके साले विपिन बिहारी के साले द्वारा ये सूचना दी गई है इत्तेफाकिया की, उसकी बॉडी को पीएम के लिए भिजवाया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।